हाय, अस्सलाम वालेकुम। ये एप्लीकेशन फॉर्म है रेशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए। ये डाउनलोड करने के बाद में ये वर्ड उसमें भी जो है सो फाइल जो है सो है, इसका इजी है मेथड कैसा फिल करने का है। सबसे पहले देखिए, ये कर्सर है मेरा यहाँ पर सबसे पहले FSC है ना, ये इसको आपको टिक करने का है। यहाँ पर नेम लिखना है आपको, आई एम सॉरी, यहाँ पर आधार कार्ड लिखना है। आधार कार्ड का जो नंबर आता है, मेन नंबर आता है, यहाँ पर डालना है। हेड ऑफ़ द फैमिली जो भी है, आधार कार्ड का नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल ये डाल दिया आप यहाँ पर, 14 डिजिट्स का, 16 डिजिट्स का है। हेड ऑफ़ द फैमिली यानी आप खुद हैं तो आपका नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे फादर लिखा हुआ है तो आपको कट कर सकते हैं यहाँ पे। स्पोज नेम यानी वाइफ का नाम यहाँ पर आ जाएगा। और हेड ऑफ़ द फैमिली कौन है, मेल है फीमेल है, तो ये ट्रांसजेंडर मेल अक्सर मेल होता है, तो मेल जहाँ पे आपको टिक करना है। एज क्या है उनकी, यानी हेड ऑफ़ द फैमिली की एज। रिलीजन क्या है, मुस्लिम है, सिख है, नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, वो हिसाब से यहाँ पर एंट्री करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सोशल स्टेटस क्या है उनका, जनरल कैटेगरी में है BC SC ST अदर्स, तो वो हिसाब से यहाँ पर मार्क करना होगा। उसके बाद है गैस कनेक्शन का डिटेल, अगर गैस अवेलेबल है तो यहाँ पर यस, तो दो है एक है तो वो हिसाब से यहाँ पे आपको टिक करना होगा। और गैस कंपनी BPL है, HPL है, कौन सी कंपनी का नाम, फिर गैस की एजेंसी का नाम, आपका कंज्यूमर नंबर जो आता है गैस के साथ में, जनरली मैसेज के साथ आता है, वो करना है। अगर किसी वजह से नहीं है आपके पास में गैस, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट लाइन में यहाँ पर नो बोल के क्लिक करना है, और गैस कनेक्शन स्टेटस नो सिलेंडर, और यहाँ पर नॉन नॉट एप्लीकेबल को क्लिक करना है, और यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल टाइप कर दीजिए। और यही कंज्यूमर नंबर भी, क्योंकि आपके पास नहीं है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल बोलकर टाइप करने का रहता है। उसके बाद आ जाइए आप जो मकान में रह रहे हैं, आपका डोर नंबर आएगा यहाँ पर, लोकेलिटी जो भी एरिया में रह रहे हैं आप, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है, करीमनगर है, निज़ामबाद है, वो हिसाब से डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में जो भी है यहाँ पर स्टेट में जो है सो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। हैदराबाद का मंडल कौन सा लगता है आपका एरिया का, जो मंडल है वो डाल देने का है, और विलेज आपका जो भी विलेज आएगा या वार्ड नंबर आएगा वो हिसाब से डालना है। पिन कोड नंबर, PO बॉक्स नंबर जो आता है 5000, उसके बाद जो रहेगा वो डाल दीजिए। आपका नियरेस्ट शॉप नंबर, जो रेशन कार्ड का शॉप नंबर है ना, रेशन शॉप का नंबर, वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको पता नहीं भी है तो गूगल में सर्च कर सकते हैं, यानी तो मी सेवा में जब सब अप्लाई करने जाओगे वहाँ किसी से भी पूछ ले सकते हैं। यहाँ पर आधार नंबर पूछ रहा है, अब ये किसका, क्योंकि यहाँ पर हेड ऑफ़ द फैमिली का ऑलरेडी यहाँ पर आधार नंबर आ चुका है ऊपर, तो यहाँ पर आपके वाइफ का डालना है। EID नंबर जो होता है, ये 14 डिजिट्स का नंबर होता है, जो आधार कार्ड, जो कार्ड के ऊपर एक लंबा सर का जो है सो एक जो फॉर्म दिया जाता है उसके ऊपर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को EID नंबर बोलते हैं, वो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे वाइफ का नाम, ये SRDH क्या है, वो हेड ऑफ़ द फैमिली का है। अब उसके बाद चिल्ड्रन, बच्चे हैं या और कोई है, बेटी है, बेटा है, बेटी है, यहाँ पर उनका उनका आधार है तो आधार डाल दीजिए, नहीं भी है EID नहीं भी है तो यहाँ पे नाम और डाल के यहाँ पे अपना नाम डाल कर छोड़ दीजिए। बेटी का है, डॉटर है तो डॉटर का भी वैसे यहाँ पे नाम डाल के छोड़ दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आप सीधे आ जाएंगे, एज क्या है यहाँ पर, इसकी एज वाइफ की एज, यहाँ पर जो वाइफ का नाम लिख रहा है ना, वाइफ की एज फीमेल है उन्होंने, और हेड ऑफ़ द फैमिली है क्या, नहीं है, मैरिटल स्टेटस डाल दीजिए। उसके बाद में रिलेशन क्या है, यानी वाइफ है इन्हों, किसके वाइफ है, ऊपर हेड ऑफ़ द फैमिली जो है उनके वाइफ है। फिर जो बेटी या बेटा है यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम जो डाले हुए थे, सॉरी, ये दो छोड़कर अगर आधार कार्ड अवेलेबल है तो बेहतर है, नहीं है की सूरत में, या मेंबर नेम जो है सो जो बेटे का नाम है वो बेटे का पूछ रहा, कितने साल के हैं, मेल है फीमेल है, वो हिसाब से यहाँ पे जितने भी हैं डाल देना है। उसके बाद में इन्फॉर्मेंट डिटेल्स, कौन है इन्फॉर्मेंट्स, यही जो हेड ऑफ़ द फैमिली, ऊपर जो नाम रहेगा उनके डिटेल आ जाएंगे लास्ट में, इन्फॉर्मेंट डिटेल, उनका नाम आएगा, सेल्फ है या कोई और उनके बिहाफ में सबमिट कर रहे हैं तो सेल्फ है तो सेल्फ डाल दीजिए, और इन्फॉर्मेंट का मोबाइल नंबर, आधार प्रूफ, यहाँ पर क्या है आधार प्रूफ लगा रहे हैं आप तो एनक्लोज बोल कर लिख दीजिए।
एनक्लोज्ड, यहाँ पर भी एनक्लोज बोलकर लिख देने का है। तो ये उसके बाद में मैनुअली दे रहे हैं आप, बाय हैंड दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे मैनुअली दे रहे बोलकर आप सबमिट करना है। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स क्या होना, ये एप्लीकेशन फॉर्म यही है जो फर्स्ट वाला जो बता रहा है ये एक होगा। दूसरा आधार प्रूफ डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, आधार कार्ड का कॉपी लगाना है आपको। एड्रेस प्रूफ के लिए आप जो फॉर एग्जांपल आप ओन मकान में हैं तो आपको भी जो है सो आपके नाम पर एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर का बिल है, या इवन इंटरनेट का भी जो है सो मेरे ख्याल से वो लोग लेना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। अगर आप किराए के घर में हैं तो किराए के घर में भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, तो वो सफिशियंट है। अब रहा सवाल आधार प्रूफ डॉक्यूमेंट पे जो है सो आधार कार्ड पे जो है सो हाउस नंबर दूसरा है, और आप रेंटल जो है सो अग्रीमेंट में घर में रह रहे हैं आप किराए के घर में, तो यहाँ पर दूसरा है, तो जो अवेलेबल है इलेक्ट्रिसिटी बिल का ये डाल दीजिए, क्योंकि कल के दिन अगर पोस्ट से वगैरह से कुछ अगर होगा ट्रांजेक्शन वगैरह तो ये नंबर पे होगा, इंक्वायरी वगैरह भी होगी तो यहाँ पर ये नंबर पे होगी आप जो देंगे। तो ये है उसके बाद एप्लीकेंट सिग्नेचर। तो ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो पेपर है समझाने के लिए जो है सो मैं आपको बताया हूँ, तो ये मैन्युअली हैंड से भी आप लिख सकते हैं, इसका प्रिंट ले लीजिए, प्रिंट लेकर जो है सो आप मैन्युअली हैंड से लिखकर फिल करके आपको सबमिट करना है। एक चीज़ और एक है यहाँ पर, एक जो है सो एक फ़ोटो भी है यहाँ पर मिसिंग है, फ़ोटो ऐड कर लीजिए, फ़ोटो हेड ऑफ़ द फैमिली की फ़ोटो, हो सकता मी सेवा में वाइफ या चिल्ड्रन के भी पूछ ले, एहतियाती तौर पे आप लोग अपने फ़ोटोज़ ले लेके जाइए। इट्स वेरी सिंपल। तो ये फॉर्म FSC का है, तो वो हिसाब से आप सबमिट कर दीजिए आप लोग, यानी FSC मतलब नॉर्मली आप स्टेबल है और जो है सो बस स्टेबल है आप, नॉर्मल लोगों के लिए, मिडिल क्लास वालों के लिए। लेकिन अभी मैं सर्च किया इसके बारे में मालूम करने के लिए, पिंक कार्ड वाइट कार्ड, तो वो शो नहीं कर रहा था, उसका भी थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ मैं, 1 मिनट देखिए। ये जो है सो तेलंगाना की साइट पर गया मैं, ये ऑनलाइन है, ये देख लीजिए आप इसको, ये लिंक सेव कर लीजिए आप अपने पास में, ये मारने ये टाइप करने के बाद में ये डिटेल्स दिया गया, टाइप्स ऑफ रेशन कार्ड इन तेलंगाना, इसके तहत 3 किस्म के कार्ड, रेशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 है FSC, AFSC, AAY, फूड सिक्योरिटी कार्ड, अंत्योदया फूड सिक्योरिटी कार्ड, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड्स। इसका डिफरेंस कौन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है, तो सबसे पहले यहाँ बताया गया अंत्योदय अन्न योजना कार्ड्स में हु आर बीइंग हेडेड बाय द 60 ईयर, 60 साल की उम्र जिसकी है या और बूढ़े हैं, या वीडो है या बेवा है और डिजेबल्ड पर्सन, इसके हकदार हो सकते हैं ये कार्ड के। दूसरा लैंडलेस एग्रीकल्चर्स लेबरर्स, लेबर जो रहते उनके पास में कोई ज़मीन वगैरह नहीं है वो लोग, और मार्जिनल फार्मर, रिक्शा पुलर समझे आप, कारपेंटर वगैरह के जो है सो काम करते हैं वो लोग एलिजिबल है, और ट्राइबल हाउस में जो रहते हैं वो लोग सब जो है इसके है तहत हकदार है, और इनको एक इसके अलावा भी इनको फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटी भी दी गई है इन लोगों को ये कैटेगरी में जो भी आते हैं। और दूसरी है सेकंड सॉरी ऑप्शन अंत्योदया फूड सिक्योरिटी कार्ड्स, अब जिसकी इनकम है इसके तहत 1.5 लाख, इनकम लेस देन 1.5 लाख है, एंड ₹2 लाख इन रूरल एंड अर्बन एरियाज रेस्पेक्टिवली, गांव या जो है सो शहर में 2 लाख तक है जिसकी इनकम, वो लोग ये कैटेगरी में आते हैं, और जो गरीब है कहीं पर भी रहो 1.5 लाख के अंदर है वो लोग भी आते हैं। टोटल लैंड एरिया यानी लेस देन इतना है, वेटलैंड 3 एकड़ 50 गुंटे, और जो है सो 7 एकड़ 50 गुंटे ड्राई लैंड बोलकर है, जिसका भी है वो लोग हकदार होते हैं। अब इसका हिसाब क्या है मुझे भी समझ में नहीं आया, तो जो बेहतर जानते हैं वो लोग समझ गए होंगे। तीसरा है FSC सिक्योरिटी कार्ड, फैमिलीज हैविंग स्टेबल इनकम, यानी एक मिडिल क्लास वालों के लिए, अपर मिडिल क्लास वालों के लिए है, डू नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द अफोर मैंशन कैटेगरीज, ये दो ऊपर के कैटेगरीज में जो नहीं आते वो लोग के हकदार है इसके अंदर कैटेगरी, विल बी एंटाइटल्ड टू इश्यू फूड सिक्योरिटी कार्ड FSC, इसके हकदार है। तो जो फॉर्म जो प्रीवियसली जो बताया था हमें कैसा जो सो फिल करना है, ये FSC का फॉर्म है ये, क्योंकि ये दोनों के लिए सर्च किया यहाँ पर नहीं मिला मुझे, तो एक ही फॉर्म बता रहा है। इसके तहत भी जो सो मैं देखिए आप डायरेक्टली यहाँ से गूगल पे जाके सर्च करने की कोशिश किया, तो ये पेज खुला, इसे क्लिक किया मैं, करने के बाद में अब ये ऑप्शन दिया, ऑप्शन में मुझे बता रहा है कि ये रिपोर्ट FSC, ये तो रिपोर्ट्स में जाओ,
फिर रिपोर्ट्स में गया, जाने के बाद में ये बता रहा है, इधर इधर जाने के बाद में अलग ही कहीं लेकर जा रहा है वो, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सो रेशन कार्ड उसके ऊपर लेके जा रहा था, छोड़ दिया। उसके बाद सेकंड जो सो ये भी ट्राई किया था, देखिए आपके सामने बता रहा हूँ, आयोध्या कार्ड, इसमें भी गया मैं सर्च करने के लिए आखिर क्या है ये, मालूम करने के लिए। ये लिंक ओपन हो रहा है, देखिए इस तरह से ये पेज अभी ओपन हुआ। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कैसा करना है, कोई जो सो इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया। तो फिर बाद में जो सो घुमा फिरा कर वो FSC फूड सिक्योरिटी पे आना पड़ा। तो इसके तहत जो सो जब ओपन किए, ओपन करने के बाद में ये कार्ड का जो सो पेज ओपन हुआ, वहीं पर लेकर आ रहा, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं आया। तो फिर बहरहाल दूसरे जो है सो सोर्सेस से यहाँ पर जाकर या डाउनलोड किया, मैं डाउनलोड करने के बाद में इंस्ट्रक्शंस दिया गया था, तो उसके तहत जो है सो ये साइट मिली। ये देखिए 6 स्टेप 4 स्टेप्स, तो ये करने के बाद में यहाँ पर आना पड़ा। आने के बाद में ये मी सेवा की साइट पे लेकर गए थे, इसके ज़रिए आए थे। ये क्लिक करने के बाद अभी तो नहीं शो कर रहा है, ये देखिए अब नहीं शो किया, जब तो खुल गया। होने के बाद में फिर वो वहाँ से यहाँ पर लेके आने के लिए बताया, फिर यहाँ पर गए, एप्लीकेशन फॉर न्यू सिक्योरिटी कार्ड, या होम पर आऊँगा मैं, ये TS मी सेवा की साइट है। जैसे आप जाओगे यहाँ पे आपको बहरहाल हर शॉर्टकट में ये कन्फ्यूजन है बहुत सारा। आप जो डिटेल दिए, कन्फ्यूज़ ना होइए, आप लोग को जो फॉर्म साथ में इसके साथ में अटैच कर रहा हूँ, आप उसको जो सो फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद ये देखिए इस तरह से खुल जाएगा वो, ये फॉर्म है, इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। आप फिलअप करके इसका प्रिंट लेना है, इसके ऊपर साइन करना है सिग्नेचर, और कुछ मज़ीद अगर छूट जाते हैं, कुछ ऐसा डाउट होता है, कुछ करेक्शन होता है, तो एक्स्ट्रा एक फॉर्म प्लेन जो है सो कैरी कर कर आप मी सेवा जाके अप्लाई करिए। शायद 50 to 100 rupees फीस होगी इसकी। और ये वीडियो सबको शेयर करिए, मेहरबानी होंगी, एक कसम से हेल्प हो जाएंगी, इसका सवाब सबको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।